एलिमिनेशन चैम्बर से पहले रोमन रेंस ने की सैमी ज़ेन और कॉडी रोड्स की बेइज्जती। बोला ये दोनों चूजे मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं दोनों को तबाह कर डालूंगा। जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए, जहां ट्राइबल चीफ अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स सैमी ज़ेन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वहीं बीते रॉ के एपिसोड में कॉडी रोड्स और सैमी ज़ेन के बीच एक काफी इमोशनल और बेहतरीन सेगमेंट देखने को मिला। इस सेगमेंट के खत्म होते वक्त कॉडी ने यह बात कही थी कि वो सैमी को अगले रॉ में नहीं बल्कि सीधा रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं सेगमेंट के दौरान भी कॉडी ने यह कहा था कि उन्हें भरोसा है कि एलिमिनेशन चैंबर में सैमी ज़ेन रोमन रेंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे। अब अमेरिकन नाइटमेयर की इसी बात का जवाब देते हुए ट्राइबल चीफ ने अपने ट्विटर और टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें रोमन ने कॉडी और सैमी दोनों का मजाक उड़ाया। ट्राइबल चीफ बोले कि अगर तुम्हें मुझे हराने का सोचने के लिए भी एक दूसरे में जोश और उत्साह जगाना पड़ रहा है, तो तुम्हारा मेरे खिलाफ जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता। मिलूंगा सैमी तुझसे मॉन्ट्रियल में। यहाँ रोमन ने सैमी से मॉन्ट्रियल में मिलने की बात इसलिए कही क्योंकि मॉन्ट्रियल कनाडा में ही एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। वहीं इस वीडियो के साथ साथ ट्राइबल चीफ ने ट्विटर पे ये भी लिखा कि सारे बंदे सोचते हैं कि वो द गाय यानी कि असली मर्द हैं, जब तक वो एक असली मर्द से नहीं मिल लेते। इस तरह से ट्राइबल चीफ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉडी रोड्स और सैमी ज़ेन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये दोनों मिलकर भी उन्हें नहीं हरा सकते, क्योंकि ना तो कॉडी रोड्स असली मर्द हैं और ना ही सैमी ज़ेन। लेकिन क्या आप रोमन रेंस की इस बात से सहमत हैं और आपके हिसाब से कौन हराएगा ट्राइबल चीफ को, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर